एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब बीएमबी की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग खंड दो से संबंधित मशीन के कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे, जिसमें दोस्तों आज हमारा न्यू चैप्टर जो 3 है इसको स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले जो है हमने खंड 1 से संबंधित दो चैप्टर देख चुके हैं, जिसमें पहला था हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा चैप्टर है हमारा फ्यूल्स एंड कंबशन। उन सब की स्टडी हम लोग पूरे अच्छे तरीके से कर दिए हैं दोस्तों, जिसमें दोस्तों हम लोग की एग्जाम से 30-40% लगभग क्वेश्चन वहीं से आता है, ठीक है ना। इसलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यदि उनको ना देखे हो तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, पूरे अच्छे तरीके से उसका डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए, आज जो हम लोग चैप्टर नंबर 3 में जो हमारे मशीन के अंग है, मतलब मशीन कॉम्पोनेंट्स हैं जो, उनके बारे में जो है पिन, कटर तथा नकल ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों इसके बाद जो है हमारे जितने भी चैप्टर है वो सभी मशीन कंपोनेंट से संबंधित रहेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें कि आखिर मशीन से संबंधित है ना, तो मशीन होता क्या है, ठीक। तो पहला चीज ये देख लेते हैं कि मशीन होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। देखिए, मशीन जो होता है, मशीन वह यंत्र होता है जो किसी भी ऊर्जा को ग्रहण करके अपने, मतलब मशीन अंगों द्वारा या फिर अपने अंगों की सहायता से लाभदायक कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? तो दोस्तों चलिए इसे जो एक लाइन में आप लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि आप लोग इसे जो अपने नोटबुक पर उतार के एक बार पढ़ लेंगे, आपको अच्छे से सेटअप रहेगा आपके दिमाग में, ओके। तो चलिए पहले देख लेते हैं मशीन, मशीन के बारे में देख लेते हैं। देखिए मशीन होता क्या है, तो लिखेंगे मशीन वह यंत्र है जो किसी भी ऊर्जा को ग्रहण करके अपने अंगों की सहायता से लाभदायक कार्य करते हैं मशीन कहलाते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि मतलब ये कैसे कार्य करते हैं, ठीक है ना, इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। देखिए ये जो होते हैं, इनके जैसे उदाहरण के टास्क में हम लोग ले लेते हैं, जैसे आप लोग अपने घरों में देखे होंगे कि जैसे पंखा होता है, पंखा क्या करता है, वो जो है विद्युत ऊर्जा को शोषित, मतलब ग्रहण करता है, उसके बाद क्या करता है, वो हमें हवा देता है, ठीक। पंखा भी क्या है, एक प्रकार का मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करता है तथा हमें हवा प्रदान करता है। उसी प्रकार देख लेते हैं, जैसे साइकिल ले लेते हैं, साइकिल में क्या होता है दोस्तों, साइकिल के पौधान पर हम लोग क्या करते हैं, जिस पौधान पर हम लाद धर के चलाते हैं उसमें क्या करते हैं, हम लोग उसे यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, ठीक है ना। जो पहिए, जो साइकिल के पहिए होते हैं, वो अच्छे उनसे क्या है, समय पर चल के हम लोग उससे लाभदायक कार्य करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए स्कूटर हुआ, स्कूटर में क्या करता है, स्कूटर में पेट्रोल के रूप में हम लोग रसायन ऊर्जा देते हैं उसे, ठीक है ना, जिसकी सहायता से हमें क्या होता है, उससे भी सड़क पर चल के हम लोग लाभदायक कार्य को करते हैं। इतना समझ में आपको, ये भी ऐसे जैसे हम करके यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जैसे दे सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए उदाहरण के रूप में, उदाहरण, ठीक है, ध्यान दीजिए। उदाहरण जैसे देख लेते हैं, हाँ, पंखों या फिर पंखे लिख देते हैं, पंखा विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करके हवा प्रदान करता है। इतना समझे आप लोग? तो देखिए दोस्तों, यही चीज होता है हमारा मशीन के बारे में, इतना डिस्कस हो गया, ठीक है ना, कि मशीन वह यंत्र होता है जो किसी भी ऊर्जा को ग्रहण करके अपने अंगों की सहायता से
लाभदायक कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें, जैसे पंखा जो होता है विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करके हमें क्या कहता है, हवा प्रदान करता है। कितना समझ में आया? तो अब देख लेते हैं कि मशीन में जो होता है दोस्तों, कि मशीन के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कि मशीन के अंग का लोडिंग क्या होता है। ठीक है ना, मशीन अंगों का लोडिंग किसे कहते हैं? ठीक है, क्योंकि ये भी कई बार आपके क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछा गया है कि मशीन के अंगों का जो लोडिंग होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है ना, मशीन के अंगों का लोडिंग करते किसे हैं? तो दोस्तों ध्यान सुनिए, जो मशीन के अंगों का लोडिंग होता है, ठीक है, देखिए मशीन के, देखिए मशीन पर जब कोई भार कार्य करता है मशीन के अंगों पर, ठीक, जैसे मान लीजिए साइकिल है, ये भी एक मशीन का कार्य करता है, जिसमें मान लीजिए हम लोग यदि बैठते हैं तो उनके पहिए क्या है, उनके अंग है। ठीक है, तो उनपे जो भार कार्य करता है वही हमारा क्या कहलाता है, मशीन का लोडिंग कहलाता है। ठीक, तो वही सिंपल चीज, इसको भी देख लीजिए, यहाँ पर देखिए शॉर्ट में देख लेते हैं इसे भी, मशीन अंगों का लोडिंग, मशीन अंगों का लोडिंग। देखिए दोस्तों, मशीन अंगों का लोडिंग के बारे में देख लेंगे। देखिए लोडिंग ऑफ मशीन कंपोनेंट्स, इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखेंगे मशीन अंगों पर जो लोड या फिर जो भार, ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना, जो भार कार्य करता है उसे मशीन अंगों का लोडिंग या भार कहते हैं, लोडिंग या भार कहते हैं। आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब चलिए देख लेते हैं दोस्तों कि मशीन के जो अंगों पर लोडिंग लगाया जाता है ये किस प्रकार लगाया जाता है, इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मशीन के जो अंग होते हैं ना उस पे आप लोग कई प्रकार के मतलब भार लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा तनाव बल हुआ जिसे टेंशन लोड कहते हैं, ठीक है ना, और कंप्रेसिव लोड कह सकते हैं, ठीक, जिसे हम संपीड़न भार कहते हैं, और एक्सियल लोड कह सकते हैं जिसे अक्षीय भार कहते हैं, और जो होता है ट्रांसवर्स लोड भी कह सकते हैं जो अनुप्रस्थ भार होता है। ठीक, इतना ये क्या करते हैं, इतने सभी भार इस पर लगाए जा सकते हैं। ठीक है ना, हर एक तरह से इस पर क्या किया जा सकता है, मशीन के अंगों पर भार लगाया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये चीजें होंगी, यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं, फिलहाल आपको बता दिए, इतना आप लोग नॉलेज रखिएगा। यदि पूछता है कि मतलब मशीन के अंगों पर कौन से लोडिंग लगा सकते हैं, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कंप्रेसिव लोड लगा सकते हैं, टेंसाइल लोड लगा सकते हैं, ट्रांसवर्स लोड लगा सकते हैं, और एक्सियल लोड लगा सकते हैं, एक्सियल लोड। ठीक है, तो ये सभी आप इसमें लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये चीजें हमारे हो गई मशीन से संबंधित, इन टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर लिए। अब चलिए देखते रहते हैं कि जो हमारे चैप्टर से संबंधित है कि मतलब पिन कार्ड तथा नकल जॉइंट से संबंधित। ठीक है ना, तो सबसे पहले देख रहे हैं टॉपिक पिन होता क्या है। ठीक है ना, बात आती है कि पिन के बारे में, तो ये पिन होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा ध्यान से, देखिए ये जो पिन होते हैं ना, पहले आपको समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये पिन जो होता है तो ये पिन वो नहीं होता है जो हम लोग घरों में स्त्रियां यूज करती हैं। ठीक है, इस पिन की ये पिन वो है जो मतलब मशीन अंगों में प्रयोग होता है। ठीक है ना, जैसे हम लोग, जैसे आप लोग घरों पर देखे होंगे, जैसे ट्रैक्टर को आप लोग देखे होंगे, ट्रैक्टर के पीछे जो होता है मान लीजिए ट्राली को जोड़ना रहता है। ठीक है ना, मान लीजिए ये हमारा ट्रैक्टर है, ध्यान दीजिए ये हमारा क्या है, ये मान लीजिए हमारा ट्रैक्टर है। ठीक, इसके पीछे क्या करना है, हमें ट्राली को जोड़ना रहता है। ठीक है, तो इसे क्या करना है, इसे देखिए इसके दो अंगों को आपस में जोड़ना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी पिन का यूज करते हैं। ठीक है ना, इस पिन का यूज मान लीजिए कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए मान लेते पिन का यहीं पर जो यूज होता है इसके जोड़ने में। ठीक है ना, मतलब दो अंगों को जब जोड़ने में जिसका प्रयोग होता है वो क्या कराता है, हमारा पिन कराता है। ठीक है ना, उसमें आप लोग देखते हो जिसे आप लोग आम भाषा में कुंडा कहते हैं, वही चीज है, तो उसी को क्या कहते हैं, हम लोग पिन कहते हैं। ठीक है ना, उसके द्वारा हम क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक ज्वाइंट को क्या करते हैं, दो या दो से अधिक अंगों को ज्वाइंट करते हैं इसके द्वारा। ठीक है ना, तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं कि ऐसे में होता क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो पिन होता है, पिन जो होता है हमारा, तो ये जो होते हैं बेलनाकार आकृति के होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होता है, बेलनाकार आकृति की युक्ति होती है। ठीक है ना, जो इस्पात की बनी होती है,
ठीक है ना, या मतलब इस्पात की बनाई जाती है, ठीक है ना, इस्पात की बनी होती है, जो इसका प्रयोग मतलब बता रहे हैं, जो दो या दो से अधिक अंगों को अस्थायी रूप से, ठीक है ना, अस्थायी रूप से, जिसे हम टेम्पररी कहते हैं, ठीक है ना, टेम्पररी फॉर्म में ऐड किया जाता है, ठीक है ना, अस्थायी रूप से ऐड किया जाता है, इसे मतलब जोड़ा जाता है। ओके दोस्तों, तो यही चीजें के बारे में हम यहाँ पर चलिए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो हमारे हैं देखिए, यहाँ पर देख लेंगे पेन के बारे में, देखिए ये होता है हमारा क्या, पिन के बारे में देख लेते हैं। देखिए पिन होता क्या है, इसे कहेंगे पिन सामान्यतः इस्पात की बनाई जाती है, इस्पात की बनाई जाती है, इस्पात की बनाई जाती है, जिसका आकार क्या लिख सकते हैं, जो बेलनाकार आकृति की युक्ति होती है, की युक्ति होती है और तथा इसको कठोरीकृत और ग्राइंड भी की जाती है। पहले दोस्तों लिख लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे समझाएंगे आपके आपके लैंग्वेज में इसे, ठीक है ना, उसके बाद लिख लेंगे इसमें जो है। देखिए इसमें दूसरा टॉपिक ऐसे करके लिख सकते हैं कि इसका प्रयोग दो से अधिक मशीन अंगों को अस्थाई रूप से मतलब टेम्पररी, ठीक है ना, जोड़ा जाता है। इतना समझे, और इसलिए यह अन्य पिन या अन्य जोड़ युक्तियों की अपेक्षा लिख सकते हैं, इसमें अन्य जोड़ युक्तियों की अपेक्षा सरल होती है। और इसे जो है दोस्तों, इसे हम दो नाम से और जानते हैं, लिख देंगे इसे पिन स्थिरक या पिन फास्टनर, इंग्लिश में पिन फास्टनर कहते हैं, ठीक है ना, पिन फास्टनर कहते हैं। इतना समझ में आप लोगों को, देखिए ध्यान से, अब आपको समझाते हैं, बढ़िया देखिएगा। देखिए होता क्या, देखिए पिन जो होता है सामान्यतः किसकी बनाई जाती है, इस्पात की बनाई जाती है, जो एक बेलनाकार आकृति की होती है, ठीक है, तथा इसको कठोरीकृत तथा ग्राइंड भी की जाती है। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कठोरीकृत तथा ग्राइंड का मतलब ये कहा जाता है कि जो ये हमारा पिन होता है ना, ये देखिए मान लीजिए ये पिन है, ठीक, ये हमारा पिन है, ये क्या है मतलब इसे जो कठोर बनाया जाता है, ताकि जब दो ज्वाइंट को जोड़ा जाता है मशीन के, तो उसमें क्या हो, इसको जब यहाँ पर जोड़ा जाता है ताकि इसकी मजबूती बनी रहे, ठीक है ना, मतलब टूटे ना, ठीक, तथा ग्राइंड की जाती है, ग्राइंड का मतलब ये है कि मतलब इसे अलग अलग शेप में बनाया जाता है, ठीक है ना, इसका प्रयोग दो या दो से अधिक मतलब इसे अलग अलग शेप में बनाया जाता है, ठीक है ना,
इसका प्रयोग दो या दो से अधिक मशीन अंगों को जोड़ने में किया जा सकता है, वो भी कैसे, अस्थायी रूप से। जैसे आपको बताया ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर और टायर को जो जोड़ते हैं अस्थायी रूप से जोड़ते हैं ना, कि जब हमारी इच्छा होती है तब उसे क्या करते हैं, निकाल देते हैं पिन को, मतलब अलग कर देते हैं ट्रैक्टर से टायर को, ठीक है ना, और जब जरूरत होती है तो उसे ऐड कर लेते हैं, ठीक। इसके कहने का मतलब ये है, अब देखिए इसलिए ये अन्य युक्तियों की अपेक्षा क्या है, आसान होती है, इससे जो है स्थिर क्या फासनर भी कहते हैं। इतना समझ में आप लोगों को, तो दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं हम लोग, इतना हो गया हमारा पिन का डिफिनेशन, ठीक। अब देख लेंगे कि मतलब पिन का वर्गीकरण, मतलब पिन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो दोस्तों चलिए इसे हम रफ करते हैं, आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं पिन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पिन्स, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने पहले ही लिख दिया, इसलिए क्योंकि थोड़ा हमारा भी समय बचेगा और थोड़ा आपका भी, ठीक है ना, और थोड़ा लेक्चर भी जो ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा इससे, ठीक है ना, इसलिए जो है कि हम पहले इसे लिखा दिए हैं, क्योंकि एक बार बताते हैं आपको एक बार लिखाना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है पहले देख लेते हैं पिनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पिन्स, ये है। इसमें देखिए जो पिन्स होते हैं हमारे, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, दो प्रकार के। पहला होता है तुरंत मोचन पिन, जिसे हम क्यूक रिलीज पिन स्थिरक कहते हैं, ठीक है ना, और दूसरा होता है अर्धावस्थाई पिन स्थिरक, ठीक, जिसे हम सेमी परमानेंट पिन स्थिरक या पिन फास्टनर कहते हैं। इतना समझ में आया, अब देखिए आंसर। इसमें देख लेते हैं सबसे पहले कि तुरंत पिन जो है, ये है मतलब तुरंत मोचन पिन स्थिरक होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले डिफिनेशन यहाँ ना देखकर इसे हम आपको आपके लैंग्वेज में बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, अच्छे समझिएगा, उसके बाद हम यहाँ पर इसको देखेंगे, ठीक है ना, डिफिनेशन इसका। तो देख लेते हैं तुरंत मोचन पिन स्थिरक होता क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर नाम से स्पष्ट है, तुरंत तुरंत पिन मोचन है ना, तुरंत मोचन है, मतलब तुरंत का मतलब वह पिन, ठीक है ना, मान लीजिए जैसे हम लोग ट्रॉली में यूज करते हैं ना, सेम वही लगा के हम लोग क्या करते हैं ट्रॉली में और ट्रैक्टर में जो पिन का यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इसमें जो पिन यूज करते हैं वही वाला सेम है, कि मतलब वह पिन है जो क्षेत्र में, ठीक है ना, जो क्षेत्र में सुगमता से क्या हो, मतलब जल्द से जल्द, मतलब वह पिन है जो क्षेत्र में आसानी से चली जाए, ठीक है ना, और क्या हो, और उसमें जो है वो ढीला ही रहे, ठीक है ना, ढीला रहे जो हम, जिससे हमें आसानी से, मान लीजिए इसको अलग करना हो तो उसे आसानी से हटा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग ट्रॉली ट्रैक्टर को ऐड करने में करते हैं ना, उसमें क्या होता है पिन को डालते हैं, आसानी चला भी जाता है और वो क्या होता है ढीला भी रहता है पिन, ठीक है ना, उसे देखिए फिर उसके बाद हम लोगों का काम हो जाने के बाद उसे अलग कर लेते हैं, ठीक है, अलग करने के लिए क्या करते हैं पिन को निकाल देते हैं, इससे हमारा क्या हो जाता है ट्रॉली ट्रैक्टर अलग हो जाता है। सेम वही प्रोसेस है दोस्तों यहाँ पर, और ये जहाँ पर मतलब ऐसे काम किए जाते हैं जहाँ पर मतलब एक बार हमें यूज करना हो, मतलब ऐड करना दो जोड़ों को, ठीक है ना, मशीन के दो अंगों को जब ऐड करना होता है तब इसे का हम क्या करते हैं तुरंत मोचन पिन का मतलब यूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है और हमें जहां पर तुरंत निकालना भी है वहां पर इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसके हम लोग यहाँ से देख लेते हैं डिफिनेशन से। देखिए ये पिन है छिद्र में सुगमता से फिट हो जाती है तथा छिद्र में ढीली रहती है, इसका प्रयोग वहां करते हैं जहां सामान क्रिया के साथ साथ अक्सर आसानी से निकालने की आवश्यकता पड़ती रहती है, ठीक है ना, जहां पर इसकी मान लीजिए इसको अलग करना है तो वहां पर हमें क्या करना रहता है, वहां पर आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना, वहां पर इस पिन का यूज किया जाता है। और इसे जो है दोस्तों हम लोग इसे टी हैंडल पिन भी कहते हैं। ये जो पिन होती है इस प्रकार की होगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की कुछ हमारी होगी, ठीक है ना, देखिए इस प्रकार की ये पिनें होती हैं हमारी, ठीक है ना, इस प्रकार की होगी ये पिन टी प्रकार की, ठीक है ना, इस प्रकार की पिनें होती हैं जिसमें यहाँ पर मान लीजिए चूल्हा लगा होता है, ठीक है ना, जिसे हम लोग इसमें लगाते हैं तो ये क्या करते हैं ये भाग जो है हमें मतलब निकलने नहीं देता उससे, ठीक है ना, इसी का काम करता है ये ऊपर वाला, ठीक, इतना समझे आप लोग। अब चलिए देख लेते हैं इसमें जो हमारा दूसरा नंबर है अर्धअस्थायी पिन स्थिरक। देखिए दोस्तों ये जो पिन होते हैं ना अर्धअस्थायी, ये जो है मतलब दो जोड़ों को जब मशीन के दो अंगों को जोड़ा जाता है, दो कंपोनेंट्स को जब जोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए, जब दो कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे तो उसमें होता क्या है, देखिए ये वहां पर प्रयोग करते हैं ऐसे पिनों का जहां पर ये पिने अस्थायी रूप से जो है क्या हो जाते हैं फिट हो जाते हैं, ठीक है ना, जिन्हें मतलब आसानी से क्या हो अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना,
उनके बारे में इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, मतलब स्पिन का इसमें यूज करते हैं, जिसे हम लोग आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसका डेफिनेशन कि ऐसी पिन है जिसकी सहायता से जोड़ों को सुगमता से अलग नहीं किया जा सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं, अस्थायी पिन स्थिरक कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो होते हैं ये हमारे दो प्रकार के होती हैं, जिनमें हम लोग यही जानेंगे कि मतलब कौन से ऐसे दो मतलब होते हैं और कौन कौन से इसमें पिन का प्रयोग होता है जो मतलब इसे आसानी से मतलब अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। उसके अंतर्गत इसी में पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से। देखिए ये जो होते हैं दो प्रकार की होती है, पहला होता है मशीन पिने, ठीक है ना, पहला क्या होता है मशीन पिने, दूसरा देखते हैं हम लोग त्रैजी बंधन या रेडियल लॉकिंग पिने के बारे में, ठीक है ना। इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों दोनों को हमें पढ़ना है। देखिए मशीन पिन के अंतर्गत हमारे जो है चार प्रकार की पिने आती है, जिसमें पहला हमारा होता है डाउल पिने और दूसरा होता है टेपर पिने और तीसरा इसमें होता है क्लेविस पिने और जो हमारा चौथा होता है वो होता है हमारा कार्टर या स्प्लिट पिने। देखिए दोस्तों ये हमारी मशीन पिन के अंतर्गत चार प्रकार के पिन आते हैं, पहला क्या होता है डाउल पिन है, दूसरा टेपर पिन है, तीसरा क्लेविस पिन है और चौथा काटर या स्प्लिट पिन है। ये हमारे चार प्रकार के पिन होते हैं, जिनमें दोस्तों हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन चारों का अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे त्रज्य बंधन या रेडियल लॉकिंग पिन है, इसमें दोस्तों जो होती है ये दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। जिसमें पहला जो होता है ये हमारा होता है, जो दोस्तों इसमें पहला होता है वो हमारा कहलाता है जो सेमी जो होता है, चलिए अच्छा इसको आगे बताते हैं, ध्यान दीजिए पहले लाइन बाय लाइन देखते हैं, डाउल पिन है, टेपर पिन है, क्लेविस पिन और काटर या स्प्लिट पिन के पहले देख लेते हैं इसके अंतर्गत इस लेक्चर में दोस्तों, क्योंकि हम लोग इसके अंतर्गत इसको भी देख लेंगे इसी में, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके अंतर्गत ये हो गए इतने, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि डाउल पिन होती क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इसे जो हम रफ कन करते हैं ताकि इसके बारे में हम लोग देख लें, ठीक। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग मशीन पिनों के अंतर्गत, देखिए चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हमारा क्या है डावल पिन। ये देखिए दोस्तों जो डावल पिन होता है ना, ध्यान समझिएगा, इसे हम डायग्राम से समझा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए जो डावल पिन होते हैं ये हमारे इस प्रकार के कुछ होते हैं, देखिए डावल पिन जो होता है हमारा इस प्रकार का होता है, ठीक है, डावल पिन इस प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इसका देखिए डावल पिन जो होती है ना, इसका जो प्रयोग होता है उसे देख लीजिए, डावल पिन फिलहाल इसी प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, इतना ध्यान दीजिएगा। ये डावल पिन है और डावल पिन का जब हम मशीन में उपयोग करते हैं, मान लीजिए मशीन है हमारा, ठीक है, मान लीजिए कोई मशीन है, ठीक है, इसमें स्पिन का प्रयोग करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये पिन है, ठीक है, ये क्या करता है, ये जो है दो सापेक्ष स्थिति जो मतलब अन्य जो यहाँ पर लगे होते हैं, यहाँ पर मान लीजिए अन्य स्क्रू जो लगे होते हैं, ठीक है ना, उनकी जो है मान लीजिए पर अन्य स्क्रू लगे होते हैं ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार अन्य स्क्रू लगे होते हैं, जिसमें क्या करता है ये इसकी जो सापेक्ष स्थिति होती है इसको बताने का प्रयास करता है। ये जो डावल पिने होती है हमारी, ये डावल पिने, ठीक है ना, ये क्या होती है इसकी जो है सापेक्ष, इसके जो अंग है मशीन के उसे क्या कहते हैं, सापेक्ष स्थिति को बताने का कार्य करती है। ओके दोस्तों, ये क्या करती है, सापेक्ष स्थिति को बताने का कार्य करती है और इसको हम क्या कहते हैं, लोकेटिंग पिन के भी नाम से जानते हैं इसे, ठीक है ना, जो हमारे डावल पिने होते हैं। ओके तो दोस्तों देखिए वही चीजें लिखी गई हैं, और ये क्या करती है, ये जो है ये जो स्क्रू लगा है इसमें जो है ना, देखिए परतदार इसमें जो कांटे लगे होते हैं, ये परतदार कांटे, ठीक है ना, इसको क्या करती है, ये बांधने का कार्य करती है, ऐसे करके बांधेंगे, ठीक है ना, बांधने का कार्य करती है जो हमारे डावल पिने होती है, ठीक। तो वही चीज लिखी गई है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ये दो अंगों की सापेक्ष स्थिति निर्धारित करती है, इसका प्रयोग परतदार कांटों को बांधने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। ये क्या है, परतदार कांटों को इसमें जो है बांधने का कार्य करती है, इसे जो है लोकेटिंग पिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारी इसकी डेफिनेशन। तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम टेपर पिन के बारे में, ठीक है ना, इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा, जो टेपर पिन होता है ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, हम अच्छे समझा रहे, देखिए ध्यान से, जो क्या होता है हमारा टेपर पिन, देखिए टेपर पिन हमारी इस प्रकार की होती है,
ऐसे करके बनी होती है, ठीक है ना, ऐसे। इसका क्या होता है, एक भाग जो होता है ऊपर वाला, ठीक है ना, वो थोड़ा चौड़ा होता है, नीचे वाला क्या होता है थोड़ा छोटा मतलब पतला होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, छोटा होता है ऊपर वाला भाग, इसका बड़ा होता है, ठीक है ना, किसके, टेपर पिन के, ठीक है ना। टेपर पिन की क्या होती है, ऊपर वाला जो सिरा होता है वो चौड़ा होता है मतलब बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है। और इसमें जो है दोस्तों, ये जो छोटा वाला होता है इसका प्रयोग जो है इसके छोटे वाले सिरे के, ठीक है ना, ब्यास के बराबर वाला जो छिद्र होता है उसमें ही इसका प्रयोग करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई मशीन है, ठीक है, ये मशीन मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए इसका जो प्रयोग करते हैं हम लोग ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए स्पिन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसको कहाँ पर प्रयोग करेंगे, जहाँ पर इसका जो छिद्र होगा मशीन का, ठीक है ना, इसका जो ये निचला वाला छोटा सिरा है इसके ब्यास के सिरे के बराबर जो छिद्र होगा वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो हमारा टेपर पिन होती है, ठीक है ना। और देखिए इसको जो है ये ताकि बाहर ना निकले इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक डिवरी का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है ये जो पीने होती हैं मतलब बाहर ना निकले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इतना समझे आप लोग। तो वही चीज जो है दोस्तों, और देखिए इसका एक चीज में और हम लोगों को देखने मिलता है इसका प्रयोग। देखिए जैसे हम लोग साइकिल का क्रैंक होता है, मतलब साइकिल का जो पौधान होता है जो, ठीक है ना, ऐसे निकला होता है जो साइकिल का पौधान, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रैंक कहते हैं। जिस प्रकार हम लोग जनरेटर में नहीं हैंडल घुमाया जाता है वो हमारा क्रैंक होता है, उसी प्रकार ये भी क्रैंक कहलाता है ये, ठीक है ना। इस क्रैंक में क्या होता है, पौधान लगे होते हैं, इसमें क्या कहते हैं, इसको यहाँ पर डिग्री लगा होता है जिसके साथ से पौधान क्या होता है बाहर नहीं निकलता है, ठीक है ना, तो ये हमारे डिग्री कहलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कर सकते हैं, साइकिल के क्रैंक में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल है डेफिनेशन, इस पिन को सामान्यतः छोटे सिरे के, देखिए छोटे सिरे के ब्यास के बराबर छिद्र में घुसाकर प्रयोग करते हैं, इसके साथ डिवरी का प्रयोग किया जाता है जिससे कि ये छिद्र से बाहर ना निकले, ठीक है, इसका प्रयोग साइकिल के क्रैंक जोड़ में करते हैं, ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिएगा ध्यान से, तीसरा आता है हमारा क्लेविस पिनें, ठीक है दोस्तों, जो होती है क्लेविस पिनें, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, जो हमारी क्लेविस पिनें होती है, ठीक। तो दोस्तों देखिए क्लेविस पिनों को भी हम लोग क्या कहते हैं, डायग्राम के माध्यम से ही हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, क्लेविस पिनें जो होती हैं इस प्रकार की होती हैं, इस तरह से देखिए क्लेविस पिनें जो होती हैं, क्लेविस पिनें जो होती हैं दोस्तों इस प्रकार की होती हैं, ऐसे होंगे कुछ, ठीक, ये इस प्रकार की होंगी क्योंकि बेलाकार होते हैं सिंपल, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसके जो ये भाग होता है ना ऊपर वाला भाग मतलब हेड सिर, इसके ऊपर वाला भाग जो होता है ये क्या होता है थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर वाले सिरे पर क्या करते हैं, इसके ऊपर वाले सिरे पर इसका क्या होता है हेड होता है मतलब सिर होता है, तथा दूसरे सिरे पर जो है यहाँ से देखिए, यहाँ से मान लीजिए यहाँ दूसरे सिरे पर क्या होता है एक छिद्र होता है, यहाँ पर क्या होता है एक छिद्र होता है। देखिए इस पे क्या होता है, इस पिन में इसके ऊपर सिरे पर एक हेड मतलब सिर होता है तथा निचले सिरे पर एक छिद्र होता है, ठीक है ना। और इस छिद्र में क्या लगे होते हैं हमारे स्प्लिंट या फिर काटर पीने लगी होती हैं, ये काटर पीने लगी होती है, ठीक है ना, जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं नकल जोड़ को बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो सेम चीजें यही लिखी है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ये आकृति बेलनाकार होती है जिसके एक सिरे पर सिर तथा दूसरे सिरे पर छिद्र बना होता है, इस छिद्र में स्प्लिंट पीने प्रयोग करते हैं तथा इनकी सहायता से नकल जोड़ प्राप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। सेम इसी प्रकार का आपका डायग्राम रहेगा ये, ठीक है ना, इसी प्रकार से आपको समझ लीजिए। तो देखिए अब आ जाते हैं हम लोग चौथे नंबर पे, क्या है हमारा काटर या स्प्लिट पिन है, ठीक है ना, स्प्लिट पिन है, यही हमारी काटर या स्प्लिट पिन है। देखिए दोस्तों इसका जो होता है ना, ये जो पिन होते हैं इस प्रकार के होते हैं कुछ, देखिएगा ध्यान से, अर्धवृत्ताकार होते हैं, ठीक है ना, मतलब ऐसे होंगे, ऐसे करके होंगे, ठीक है, ऐसे करके पीने होती है, मतलब ये थोड़ा बड़ा लगाते हैं, देखिए ध्यान से, ये पीने जो होती है अर्धवृत्ताकार होती है, जिसमें क्या होता है अर्धवृत्ताकार काट की जो होती है तार से बनाई जाती है, ठीक है ना। देखिए तार मान लीजिए ऐसे है, अर्धवृत्ताकार तार से बनाई जाती है यहाँ पर, फिर मान लीजिए ऐसे करके हम फिर यहाँ से क्या करेंगे ऐसे कर देंगे, ठीक, यहाँ पर कुछ ऐसे करके, ठीक है ना। ये कैसे बनाए जाते हैं, इस प्रकार की होती है जो हमारी स्प्लिट या काटर पिन होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी क्या हुई, देखिए ये जो होती है यहाँ पर लिखा गया है सामान्यतः अर्धवृत्ताकार काट के तार की बनाई जाती है,
और लॉकिंग का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या करते हैं, लॉकिंग का कार्य करते हैं। देखिए ये जो होता है ना, इसके द्वारा हम कई चीजों को मतलब कसते भी हैं, ठीक है ना, इन सब चीजों में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब जो है हम लोग देख लेते हैं मशीन के द्वारा कुछ मतलब महत्वपूर्ण जो अंग होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना, जो मतलब जिसमें हमारा आता है क्या आता है, नकल जोड़ आता है, ठीक है, वो सब संबंधित देख लेते हैं इसके आगे। तो इसके लिए दोस्तों इसे हम लोग रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अब देख लेते हैं हम लोग क्या मशीन पिन द्वारा सामान्य जोड़ के बारे में, जो कि इसके आधार पर दो प्रकार की जोड़ होते हैं। पहला होता है लटकन कड़ी, ठीक है, दूसरा जो होता है नकल जोड़ होता है। ठीक है, लटकन कड़ी को हम लोग इसको जो है सस्पेंशन लिंक भी कहते हैं, और इसको नकल जोड़ के इंग्लिश में नकल ज्वाइंट ही कहते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बात आती है कि लटकन कड़ी होती क्या है। ठीक है ना दोस्तों, लटकन कड़ी होती क्या है, इसमें जो है दोस्तों आपके एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है कि नकल जोड़ के बारे में। ठीक है ना, ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कन्फर्म है जहाँ तक कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं हम पहले लटकन कड़ी होती क्या है। ठीक, तब चलिए दोस्तों देख लेते हैं लटकन कड़ी के बारे में। देखिए डायग्राम के माध्यम से समझिएगा और थोड़ा दोस्तों इंटरेस्ट लेकर समझिएगा, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को बोर ना फील हो। इसके बाद इसको बता देंगे इस लेक्चर में, इतना ही क्यों रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले देख लेते हैं लटकन कड़ी के बारे में। ठीक है, तो देखिए लटकन कड़ी जो होती है, ये जो जोड़ होता है ये भी एक प्रकार का जोड़ होता है। ठीक है ना, देखिए इस जोड़ में जो है दो पतली कड़ी लगी होती है तथा उनके बीच में क्या होती है, एक मोटी कड़ी लगी होती है। ठीक है ना, मान लेते हैं ये क्या हो, ये मान लीजिए मोटी कड़ी हो गई। ठीक है, ये एक मोटी कड़ी लगी हुई है। ठीक है, जिसके साइड में क्या है, दो पतले, इसका क्या है, ये आधा रहेगा। ठीक है ना, इतना समझिएगा कि ये कितना रहेगा, इसका आधा लगभग रहेगा, इतना मान लीजिए, ये कितना है, इसको इतना मान लीजिए। ठीक है, देखिए ना, मान लेते हैं इसकी मोटाई कितनी है, पी है, इसकी मोटाई कितनी है, पी बाई टू, इसकी भी पी बाई टू। ठीक है, इतना मान लेंगे। देखिए ध्यान से क्या होता है, दो पतली कड़ियों के मतलब दो पतली कड़ियों के बीच एक मोटी कड़ी लगाई जाती है, और इन कड़ियों को मतलब आपस में क्या पिरोने के लिए, ठीक है ना, इन तीनों कड़ियों को आपस में पिरोने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, इसके बीच में एक पिन लगाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए पिन लग गया हमारा, देखिए यहाँ से ये पिन लगाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब पिन लगाएंगे तो ये भाग हमारा नहीं दिखेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से मान लेते हैं यहाँ पर क्या, इसके बीच में तीनों कड़ियों को जोड़ने के लिए एक पिन का प्रयोग करते हैं। ये हमारा हो गया, देखिए इस पिन यहाँ पर बन गया पिन, देखिए एक पिन का प्रयोग करते हैं, इसका नाम पिन है। ठीक, पिन ये क्या हुई, हमारी पतली कड़ी हो गई, और ये क्या है, मोटी कड़ी है, ये मोटी कड़ी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, और यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो हमारा पिन होता है, ये जो पिन होता है ये इन कड़ियों से बाहर ना निकले, इसलिए यहाँ पर एक क्या लगाते हैं हम लोग, स्प्लिट या काटर पिन का प्रयोग कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर होता है पहले से। ठीक है ना, ये चीज होता है, और ताकि इनको क्या करता है, ये पिन जो है इन तीनों को जोड़कर एक लटकन कड़ी प्राप्त करता है। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या, पिन को इन मतलब कड़ियों के बीच में लगाया जाता है। ठीक है ना, ताकि एक लटकन कड़ी प्राप्त हो, और लटकन कड़ी कड़ियों की सहायता से जो है दोस्तों, जैसे मशीनों में देखिए, मशीनों की युक्तियों जैसे होती है, ठीक है ना, लटकन पुल आदि में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, देख लेते हैं परिभाषा का अनुसार। लेकिन दोस्तों ये डायग्राम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आएगा तो डायग्राम जरूर पूछेगा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार बनाएंगे इसे। देखिए सेम यही बताया गया यहाँ पर, यह जोड़ दो पतली कड़ियों को, दो पतली कड़ियों के बीच एक मोटी कड़ी लगाकर तथा तीनों तीनों में से होते हुए एक पिन पिरोया जाता है, जिससे कड़ियों को जोड़कर एक लटकन कड़ी प्राप्त की जाती है। लटकन कड़ियों की सहायता से मशीनों युक्तियों एवं लटकन पुल आदि के ढांचे लटकाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये भी डायग्राम अच्छे समझ में आया होगा, इसके साथ साथ इसका डिफिनेशन भी। तो दोस्तों चलिए इसे जो है हम लोग रफ करते हैं और नकल जॉइंट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा जो होता है नकल जोड़। ठीक है ना, ये जो होता है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये इस प्रकार पूछता है कि नकल जोड़ कहते किसे हैं, इसकी कार्य विधि और चित्र भी बनाइए।
इस प्रकार से पूछता है, ठीक है ना, और कई बार पूछ चुका है, ठीक है, इसे ज्यादा केयर कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए नकल जोड़ के बारे में देख लेते हैं, हम लोग डायग्राम के माध्यम से पहले समझ लेते हैं, वही चीज यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों होती क्या है इसमें, देखिए ये वह जोड़ होता है, ये नकल जोड़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये वह जोड़ होता है जिसकी जिसमें, ठीक है ना, दो क्षणों को, ठीक है, एक क्षण यहाँ पर है, मान लीजिए एक क्षण यहाँ पर, ठीक है, दो क्षणों को जिसकी सहायता से जोड़ा जाता है, ठीक है, तथा इसके मतलब जो बाएं तरफ दाएं तरफ जो छड़ होता है और तथा बाएं तरफ छड़ में, ठीक है ना, मतलब दोनों छड़ों पर तनाव बल कार्य करता है, ठीक है, इसके दोनों, देखिए ये वह जोड़ होता है जिसमें दो छड़ों को आपस में जोड़ा जाता है, ऐसे सिंपल समझिए, और इसके छड़ों पर तनाव बल कार्य करता है तथा इसके दाएं तरफ जो छड़ होता है उस पर क्या होता है, एक मशीनर आंख होती है, तथा बाएं तरफ जो छड़ होता है उस पर एक चिमटा लगा होता है, ठीक है ना, चिमटे के आकार की छड़ लगी होती है, ठीक, ये चीज हो गई। अब देखिए और इन दोनों के बीच में, मतलब दोनों छड़ों के बीच में, मतलब चिमटा और आनन आंख के बीच में क्या लगी होती है, एक पिन पिरोया जाता है, ठीक है, ये देखिए ये हमारी पिन हो गई, ठीक है ना, एक पिन पिरोया जाता है जिसके यहाँ पर देखिए ये ताकि पिन निकले ना, इसलिए यहाँ पर काटेगा स्प्लिट पिन लगा देते हैं, ठीक है ना, ये चीज हो जाती है जिसमें दोस्तों इसे लगाकर उसके बाद क्या करते हैं, इसके द्वारा स्प्लिट पीने जो लगाती हैं ये क्या करती हैं, जो स्प्लिट या काटर पीने जो होती हैं ये हमारी निश्चित इसकी क्या कर देती हैं, स्थिति को निश्चित कर देती हैं, ठीक है, इसलिए इसको इसका प्रयोग करते हैं काटर स्प्लिट पीने के, ठीक, तो ये डिफिनेशन है। ये वह जोड़ होते हैं जिसकी सहायता से दो ऐसे जोड़ों को जोड़ा जाता है जिन पर तनाव बल कार्य करता है और छड़ के दाएं तथा बाएं सिरे पर, ठीक है, देखिए मतलब दाएं सिरे पर पहले क्या होता है, मशीनर आंख बनाई जाती है और इसके बाएं तरफ छड़ पर एक चिमटा लगाते हैं, ठीक है, तथा इसके बीच एक पिन पिरोया जाता है और इस पर स्प्लिट या काटर पिन लगाकर इसकी स्थिति क्या कर दी जाती है, निश्चित कर दी जाती है। बस यही चीज है दोस्तों, ठीक है ना, इस पर बेहद केयर कीजिएगा क्योंकि ये चित्र के साथ इसकी कार्यविधि पूछती है और इस कार्यविधि को इसलिए दोस्तों हम अपने आपके लैंग्वेज में एकदम लिखा है ताकि आपको याद करने में कोई भी तकलीफ ना हो, इसे याद कर लेंगे इतना हम कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं कि इसे जो है आप लोग खुद से बना लेंगे यदि इसको याद कर लिए अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, थोड़ा दोस्तों तबीयत नहीं सही था इसलिए थोड़ा उतना अच्छे नहीं समझा पाए, फिर भी उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए, जय हिंद, टेक केयर।